दोस्तों, मैं आज बताती हूँ कि मेरे मायके में कौन कौन है। दोस्तों, मेरे मायके में मेरे पापा है, मेरे मम्मी है, और दोस्तों मेरा एक बड़ा भैया था, मुझसे जो 5 साल का बड़ा था, उसका डेथ हो गया 3 साल पहले रोड एक्सीडेंट पे। तो मेरे मम्मी पापा अकेले ही रहते हैं। उनको जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मेरी मम्मी जो है वो मार्केट जाती है, हमारे घर से 8 किलोमीटर की दूरी पे है मार्केट, वो खुद जाती है लेके आती है। कभी कभार मैं, जैसे कि 4-6 महीने में मैं कभी जाती हूँ बाहर तो थोड़ा ले आती हूँ। और मेरे पापा जो है वो दोस्तों हैंडीकेप है, वो मतलब खुद नहीं जा पाते हैं। मम्मी मार्केटिंग करती है, सब कुछ आती है लेती है, पापा का भी ख्याल रखती है। और क्या बताऊँ, मेरे से जो बड़े भैया थे ना, ऐसे इसी मतलब दिसंबर महीने में, अभी नवंबर चल रहा है, लेकिन उड़िया में जो मगसिर मास कहते हैं, उसी महीने में उसका डेथ हुआ था। आज से 3 महीने, तीन सॉरी 3 साल पहले वो अपने काम से आ रहा था, और उसको ट्रक ट्रक में उसका एक्सीडेंट हो गया, और वहीं पे ही उसका स्पॉट डेथ हो गया। तो दोस्तों बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि सब कहते हैं लड़की, जो लड़का कर सकता है वो लड़की भी कर सकती है, लेकिन मैं वो नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे जो भैया था, मेरे से वो बड़े थे, तो वो ना मेरे मम्मी और मेरे पापा का बहुत ही ख्याल रखते थे। बहुत खाना वगैरह मार्केट से ला कर देते थे, सब्जियाँ, मतलब हर कुछ सब कुछ वो समझते थे। मैं और वीडियो नहीं बना पाऊँगी।